So, so, कोलकाता में आ चुकी है so, guys, इस वीडियो में हम देखने वाले की केट ड्यूक टू फिफ्टी ट्वेंटी ट्वेंटी फोर में क्या क्या अपडेट्स है क्या क्या नए फीचर्स इसमें एड हुए है एंड इंजिन के अलावा क्या क्या फीचर्स आपको के टी एम ड्यूक थ्री नाइन्टी में मिलती है एंड इसमें नहीं मिलती एंड ऑल्सो क्या क्या इसमें मिलती है एंड आपको 390 में नहीं मिलती तो ये सब चीजें हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे सो so सबसे पहले अगर की की प्राइसिंग बात करें तो ये अभी आपको पड़ेगी ऑलमोस्ट टू लैख एटी थाउजेंड ऑन रोड कोलकाता एंड एग्जैक्ट फिगर आपको नीचे आ रहा होगा एंड अभी मैं हूँ के टी रोड में एंड यहाँ पे बाइक अवेलेबल है फॉर बुकिंग सो so, कोलकाता से जो भी भाई लोग देख रहे हो एंड प्लान कर रहे हो लेने का शोरूम डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है यू कैन कॉन्टेक्ट बाकी बाइक जो है जल्दी होने वाली सो so लॉन्च के बाद यू कैन बुक यूर डेस्ट्राइडो सो गाइज न्यू के टी एम ड्यूक टू फिफ्टी ट्वेंटी ट्वेंटी फोर ऑरेंज एंड ग्रे कलर में and trust me, जितने भी ट्वेंटी ट्वेंटी फोर ड्यूब लॉन्च हुए है उनमे ये कलर मेरी पर्सनल फेवरेट है वैसे ड्यूक टू फिफ्टी ट्वेंटी ट्वेंटी फोर अवेलेबल है दो कलर ऑप्शन के साथ वाइट ऑरेंज एंड ऑरेंज विध मैट ग्रे जो की अभी मेरे सामने खड़ी है एंड ये ओनली वेरिएंट है जिसमें आपको एलॉयज एंड ट्रेलिस फ्रेम दोनों ब्लैक में मिलती है एंड येस डेट्स वाई इट्स माई फेवरेट बिकॉज थ्री नाइन्टीज की जो दोनों वेरियंट है उनमें मेन फ्रेम एंड एलॉयज आपको ऑरेंज मिलती है एंड ऑल्सो ये वाली पेंट स्कीम थोड़ा सेवन नाइन्टी ड्यूक को रिजेंबल करती है बाकी लुक्स की बात करें तो लुक्स पूरी चेंज है पिछले जनरेशन से अभी इसमें सिमिलर ट्वेंटी ट्वेंटी फोर ट्यूक थ्री नाइन्टी वाली स्टाइलिंग आपको देखने को मिलती है बट स्टिल डिजाइन एंड स्टाइलिंग पॉइंट ऑफ व्यू कुछ चीजें हैं डिफरेंट है दोनों बाइकों में वेल स्टार्टिंग फ्रॉम द फ्रंट आपको इसमें अभी न्यू हेडलाइट्स देखने को मिलती है जो कि आपको 390 में भी देखने को मिलती है पर अगर आप डी आर पार्ट में गौर करो तो देख सकते हो यहाँ पे प्लास्टिक पैनल है एंड इसकी डी कुछ ऐसी हेडलाइट के अंदर है वेल well, इसको डीआरएल बोलना ना बोलना समान है एंड आई फील दिस इज द ओनली डिसअपॉइंटिंग थिंग इन के टी एम टू फिफ्टी ड्यूक बिकॉज वही अगर हम 390 में आए तो इसकी डी कुछ ऐसी मिलती है देख सकते हो देख सकते हो लुक्स वाइज काफी प्रीमियम एंड काफी बढ़िया लग रही है बाकी डिजाइन वाइज यहाँ पे टैंक शाउट में आप देख सकते हो एक चेंज है देख सकते हो थ्री नाइनटी में यहाँ पे आपको एक कट देखने को मिलती है पर वही पे 250 के जो टैंक शाउट है वो पूरी प्लेन देखने को मिलती है बाकी टैंक कैपेसिटी अभी इसमें भी आपको 15 लीटर की मिलती है विच इज ग्रेट सो टैंक रेंज आपको बढ़िया मिलती है एंड ऑल्सो अगर आप 250 के टैंक में देखोगे तो यहाँ पे व्हाइट कलर की के की स्टिकरिंग मिलती है जो कि आपको 390 में नहीं मिलती बट इस वहीं पे 390 में आपको टैंक शाउट्स के नीचे एक सिल्वर एनबेलम मिलता है यस yes, ये रेडिएटर के एकदम बगल में एंड ये आपको 250 में देखने को नहीं मिलता या देख सकते हो रेडिएटर्स के साइड वाला पैनल आपको 250 में नहीं मिलता बाकी रेडिएटर्स आपको दोनों ड्यूक में कर्व मिलती है पर ड्यूक थ्री में आपको डुअल फैन मिलती है पर वहीं पे टू में आपको सिंगल फैन सेटअप मिलती है या देख सकते हो राइट right साइड पूरा खाली है एंड लेफ्ट साइड में अगर आप आओ तो यहाँ पे एक फैन देखने को मिलती है बाकी वन मोर थिंग इसकी भी अभी एग्जॉस्ट देख सकते चेंज है थ्री नाइनटी में अभी जैसे आ रही है यानी जो एग्जॉस्ट पोर्ट है वो आपको यहाँ पे अंडर बेली में देखने को मिलता है जो कि के का एक्चुअली ट्रेडमार्क रहा है हमेशा से बट गाय दोनों की जो बेंड पाइप की स्टाइलिंग है वो थोड़ी अलग है 390 में आप देख सकते हो यहाँ पे एक ब्लैक कलर का मेटेलिक स्ट्रक्चर आपको मिलता है वही 250 का जो ये वाला पार्ट है ये काफी खाली खाली सा है बाकी लुक्स में एक और चीज डिफरेंट है पर उसमें हम बाद में आएंगे अभी बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस वाइज आपको क्या क्या चेंजेस देखने को मिलती है प्रीवियस जनरेशन ड्यूक से सो वैसे इंजन डिस्प्लेसमेंट अभी भी इसमें सिमिलर मिलती है आपको बट कंपनी क्लेम करती है कि दिस इज न्यू इंजन ऑफ एल सी सीरीज एंड इंजन की केसिंग देख सकते हो काफी अलग है पहले से ड्यूक टू से इसमें आपको अभी ब्लैक कलर का यहाँ पे पाउडर कोटेड ट्रीटमेंट देखने को मिलता है विच मेक्स इट लुक्स प्रीमियम अब पता नहीं सिर्फ केसिंग अलग है या फिर अंदर का सामान भी अलग है खैर सो गाइस अभी आपको इसमें 249 सीसी की लिक्विड कूल इंजन मिलती है यस इंजन डिस्प्लेसमेंट में कोई चेंज नहीं है बट अभी ये प्रोड्यूस करती है 1 पीएस एंड 1 न्यूटन मीटर ज्यादा पावर एंड टॉर्क कंपेर्ड टू द प्रीवियस जन ड्यूक यानी प्रीवियस जन के टी एम ड्यूक टू फिफ्टी से वन पी एस एंड वन न्यूटन मीटर जो है पावर एंड टॉर्क इसकी बड़ी है सो ट्वेंटी ट्वेंटी फोर के टी एम ड्यूक टू फिफ्टी प्रोड्यूस करती है ऑलमोस्ट थर्टी वन पी एस की मैक्स पावर एंड पीक टॉर्क अभी ये जनरेट करती है 25 न्यूटन मीटर इंजन के बाद अगर ब्रेकिंग पे आ जाए तो वैसे इसमें भी आपको न्यू ड्यूक 390 जैसे डिस्क देखने को मिलेगी देख सकते हो काफी वेट रिडक्शन किया गया यहाँ पे एंड इसकी जो डिस्क है ये भी राइट साइड में आती है पी प्रीवियस जेन में लेफ्ट साइड में आती थी एंड टू लेट मी नो की इसकी जो अलाउस एंड जो डिस्क का डिजाइन है अभी आपको कैसा लग रहा है बिकॉज काफी लोगों को जो ये नया डिजाइन है उतना जमा नहीं काफी लोगों को तो खाली खाली लग रहा है बाकी सस्पेंशन में चेंज है रियर तो आपको पता ही है अभी न्यू न्यूज में आपको ऑफसेट सस्पेंशन मिलने वाली है जिसके कारण जो एयर इनटेक के लिए जो स्पेस है वो काफी इंक्रीज हो चुका है एंड ऑल्सो जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो बड़ी है बट ऑल्सो का जो फ्रंट का सस्पेंशन है उसकी ट्रैवल जो अभी 80 मिलीमीटर mm ज्यादा आपको देखने को मिलती है ऑलमोस्ट 150 फिफ्टी mm मिलीमीटर की आपको ट्रैवल मिलती है बट 390 के तरह इसमें आपको एडजस्टेबल सस्पेंशन नहीं मिलते हैं सो so, आप कंप्रेशन एंड रिबॉन्ड एडजस्ट नहीं कर सकते एंड ऑल्सो का इस थ्री में रियर सस्पेंशन में आप हार्डनेस जो है एडजस्ट कर सकते हो एंड यहाँ पे एक स्क्रू वाला मेकानिज्म आपको मिलता है बट यहाँ का इस टू में आप देख सकते हो ऐसा कुछ मेकानिज्म आपको अभी नहीं मिलता सो so, ये सिर्फ थ्री में आने वाली है बाकी एक और चीज एडजस्टेबल नहीं मिलता दैट इज द लिवर्स देख सकते हो 390 में क्लच एंड ब्रेक लिवर्स आपको एडजस्टेबल मिलते हैं बट टू फिफ्टी में या वो मेकनिज्म नहीं है जिसमें मतलब आप एडजस्ट कर सकते हो बाकी जैसे सस्पेंशन की बात की तो जहां तक मुझे लगता है इसकी ग्राउंड क्लियरेंस अभी बढ़नी चाहिए पर KTM के के ऑफिशियल साइड में अभी भी ये वन सेवेंटी फाइव मिलीमीटर का अधिकार है बट मुझे लगता है की इसकी भी थ्री नाइनटी की तरह वन की होनी चाहिए अभी क्योंकि बॉडी डायनामिक्स काफी सिमिलर है इसमें भी आपको बनाना स्विंग सुंगाम देखने को मिलता है एंड यहाँ से काफी हद तक सिमिलर लग रही है दोनों की जो ग्राउंड क्लियरेंस है देख सकते हो बाकी का सीट कंफर्ट इसमें भी इंप्रूव हो चुकी है एंड क्वेश्चनिंग वगैरह भी आपको इसमें भी नई वाली जो 390 है उसकी तरह ही मिलेगी एंड सिमिलरली इसमें भी अभी आपको 800 मिलीमीटर mm की सीट हाइट मिलती है जो कि आप इंक्रीज कर सकते हो अप टू 820 मिलीमीटर mm. अगर आप पावर पार्ट्स वाली सीट लगाते हो तो बाकी यस इसमें भी आपको रियर में बड़ी से टेल टाइडी मिलती है एंड ये लुक वाइज आपको कैसी लग रही है आई डोंट नो बट हमने लास्ट दिन थ्री को जब बारिश में चलाया था एंड बिना टायर अगर के ये टेल टाइडी ही मतलब एनफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करी थी हमको सो यूजेबिलिटी वाइज दिस इज गुड एक्चुअली काफी बढ़िया जो टायर से कीचड़ वगैरह जो रोक लेती है बाकी टायर सेक्शन आपको सेम ही मिलता है बट टू में आपको मेडजलर नहीं मिलते एंड यस पैटर्न देख के मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था बट दिस इज एम आर एफ एक्चुअली बट नॉट एम आर एफ रेफी सी वन यानी जो अपने बाइक में आती थी दिस इज एम आर एफ स्टील ब्रेस एंड टेट पैटर्न आप देख सकते हो काफी अलग है यानी जो रेवजी वाली आती थी उससे एंड जो टायर कंपाउंड है वो भी शायद से थोड़ा सा अलग हो सो ग्रिप लेवल भी शायद से थोड़ी अलग मिले बट अभी उस पर कमेंट नहीं कर सकते जब तक चला नहीं लेते एंड गाइस बाकी ये तो आपने अभी तक देख ही लिया होगा कि चैसेज डिजाइन जो है वो चेंज है सो so अभी ड्यूक 250 में भी आपको मेन फ्रेम ट्रेलिस फ्रेम मिलती है एंड सब फ्रेम कास्ट एल्यूमिनियम की मिलेगी एंड बाकी मिरर्स ड्यूक 390 में लास्ट दिन अवेलेबल नहीं थे एंड अभी भी अवेलेबल नहीं है एक्चुअली सो इसमें अवेलेबल है देख सकते हो मिरर्स की क्वालिटी कुछ ऐसी मिलेगी एंड क्वालिटी ऑफ़ द मिरर्स आर डिसेंट एक्चुअली बाकी गाइस अभी बात कर लेते थे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अदर फीचर्स के बारे में सो गाइज लुक्स वाइज एक और चीज़ जो थ्री में आपको मिलेगी बट टू में नहीं मिलेगी दैट इज द टी एफ टी डिस्प्पले कलर डिस्प्ले आपको इसमें नहीं मिलेगी सो फोर ड्यूक टू फिफ्टी में आपको मिलेगी 5 इंच एल सी डी डिस्प्ले ग्लास क्वालिटी काफी सिमिलर है काफी प्रीमियम लग रहा है थ्री एंडी एंड इसकी भी जो डिस्प्ले है वो हैंडल बार्स पे माउंटेड है बाकी स्टार्टिंग सीक्वेंस की बात करें तो दिस इज हाउ इट्स वेलकम्स कुछ ऐसा एनिमेशन आपको देखने को मिल रहा है एंड दिस इज नॉट कलर्ड यूनिट हालांकि जो पिछले जन की के टी एम ड्यूक टू फिफ्टी थी उनसे काफी बेहतर है एंड uh, इधर आपको बैकलेट एल स्विचेस एंड जो इसके स्विच केयर की क्वालिटी अभी काफी टॉप नॉच कर दी गई है काफी प्रीमियम कर दी गई है सेम जैसे 390 में अभी मिल रही है सिमिलर बटन एंड ऑल बाकी एबीएस स्विचेबल रोड एंड सुपर मोटो मोड मिल जाता है एंड इसमें भी बाइक इन देख सकते हो तो एकदम प्रॉपर यूनिट्स में सब कुछ शो कर रहा है एंड पहले वाइज इंजन हीट जो है ऐसे एग्जैक्ट डिग्री सेल्सियस में नहीं आती थी बट अभी एग्जैक्टली exactly आपको बताती है कितनी डिग्री सेल्सियस आपकी इंजन की हीट चल रही है सो so, डेटा जो है प्रॉपर शो होता है बाकी रेंज बैटरी वोल्टेज वगैरह आपको दिख जाती है एंड टर्न टर्नबल टर्न नेविगेशन भी आपको मिल जाता है एंड ऑडियो का आई एम नॉट श्योर ये क्या चीज़ है स्मार्टफोन आप कनेक्ट कर सकते हो शायद उस चीज़ का हो सकता है बाकी क्विक सेप्टर प्लस आपको मिलता है एंड uh, और भी काफ़ी सारी इलेक्ट्रॉनिक्स मिल जाती है बाकी देख सकते हो गाइस ड्यूक 250 में भी टाइप सी चार्जिंग पोर्ट मिलने वाली है एंड 390 नाइन्टी की तरह इसमें भी हैज़र आपको इनबिल्ट मिलेगी एंड येस चाबी जब आप ऑफ़ करोगे तब भी हैज़र आपकी ऑन ही रहेगी एंड जब तक आप चाबी वापस ऑन नहीं करोगे तब तक आपकी जो हैज़र्ड है वो ऑफ़ नहीं होगी सो चाबी ऑन करने के बाद आप इसको वापस ऑफ कर सकते हो लाइक दिस सो वाइज अभी आपको इसके एग्जॉस्ट नोट सुना देते हैं तो कुछ ऐसी थी इसकी एग्जॉस्ट साउंड एंड एक हल्का सा बिजलिंग साउंड आ रहा है यानी सीटी की साउंड आ रही है आई डोंट नो व्हाई बाकी आप लोग मुझे कमेंट बताओ आप लोग कैसा लगा बाकी ओवरऑल बाइक कुछ ऐसी लग रही है हॉर्न का फीडबैक यार काफी सही है एंड गाइस इसमें देख सकते हो ग्यारह या बारह हजार आरपीएम तक आपको शो कर रहा है बट थ्री नाइनटी में आपको टेन थाउजेंड आरपीएम तक ही शो करता है हालांकि अभी दोनों ही बाइक जो है नाइन थाउजेंड आरपीएम तक ही जा रही है बट दैट इज मे बी बिकॉज अभी तक इनकी फर्स्ट सर्विसिंग नहीं हुई है सो so, जब तक ये बाइक फर्स्ट सर्विस नहीं होती तब तक हम इनको फुल पोटेंशियल नहीं भगा सकते सो so बाइज ये था डिटेल वीडियो अबाउट के टीएम टू फिफ्टी डी मॉडल एंड यस इस वीडियो में मुझे थोड़ा सा वॉइस ओवर का यूज करना पड़ा बिकॉज एक्चुअली थोड़ा बाहर था एंड जैसे ही मुझे न्यूज आया कि बाइक शोरूम में आ चुकी है वैसे ही मैं तुरंत से पहले भागा शोरूम सो, सो मेरे पास आईफोन था तो मैंने आईफोन में सब कुछ शूट कर लिया था बाकी आप लोग मुझे कमेंट में बताओ कि इसका राइट रिव्यू आप लोगों को चाहिए कि नहीं वैसे वैसे मैं लाऊंगा जरूर वीडियो है कुछ दिनों बाद आ रही है बट इंस्टाग्राम में जो लोग हो उन लोगों को अपडेट पहले ही मिल गया था सो इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया तो फॉलो करो एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन की वाला वीडियो को कैसा लगा एंड बाकी इंस्टाग्राम हैंडल नीचे आ रहा होगा फॉलो कर सकते हो मिलते हैं एक और वीडियो ब्लॉग में राइट एड राइट सेफ जय हिंद बंदे मातरम